अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अज़ीज़ तुलबा तालबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, में स्टडी कर रहे हैं सातवीं जमात का रियाजी मजमून मैथ सब्जेक्ट, जिसका सबक नंबर 9 मुस्तकीम तनासब और माकूस तनासब। इसके पहले हमने पहले लेक्चर में बहुत सारे बेसिक मालूम हासिल किए मुस्तकीम तनासब के बारे में। आज हम जो है लेक्चर नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें हम जो है मशकी सेट नंबर 37 को हल करने वाले। मशकी सवालत नंबर जो 37 है उसको जो हम हल करने वाले हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं किताब में, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे, हल कराए जाएंगे, और बाकी 2 क्वेश्चन आपको घर काम रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला सवाल हमारा जो रहेगा कि 7 किलो प्याज 100 रुपये में हो तो, कितने किलो प्याज, 7 किलो प्याज 100 रुपये में हो तो 12 किलो प्याज कितने में मिलेगी, 12 किलो प्याज कितने में मिलेंगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन से हमको जो सवाल का जवाब जल्दी मिल जाएगा और हमको हल करने का सही रास्ता मिल जाएगा। 7 किलो प्याज कितने की है, 7 किलो प्याज जो है वो 100 रुपये की, ठीक है, 100 रुपये की। तो हमको क्या मालूम करना है कि 12 किलो प्याज वो कितने में मिलेगी, 12 किलो प्याज हमको कितने में मिलेंगी। अब प्यारे बच्चों, हम गौर करेंगे तो 7 किलो प्याज 100 रुपये की आ रही है, तो जाहिर सी बात है 12 किलो प्याज लेंगे तो हम थोड़ा ज़्यादा पैसे की आएंगे। तो ये बढ़ रहा, प्याज का वज़न बढ़ रहा है तो दाम भी बढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सवाल जो है वो मुस्तकीम तनासुब का है। कौन सा है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। हाँ, प्याज का जो वज़न बढ़ रहा है तो हमको जवाब भी, जो उसके दाम है, जो उसका जो क्वान्टिटी है और उसका जो प्राइस है, वो भी हमको बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है ये मुस्तकीम तनासुब का है। अब जहाँ मुस्तकीम तनासुब का क्वेश्चन आ गया तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, माकूस तनासुब जब देखेंगे तो उसमें हमको नई चीज़ बताई जाएंगी कि उस वक्त हमको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। माकूस तनासुब में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, सिर्फ मुस्तकीम तनासुब में हम जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तिरछी ज़रब करेंगे तो 7 ज़रब 100 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर 12 ज़रब 100, ठीक है, 12 ज़रब 100। अब 7 इधर जो ज़रब में है, जब हमको इधर लाएंगे तो तकसीम में आ जाएगा, तो x बराबर 12 ज़रब 100 बटे 7। अब इसको हल करेंगे, हल करने पर तो गौर करेंगे प्यारे बच्चों, सॉरी 100 नहीं है, ये 140 दिए किताब में, मम्मी कंफ्यूज था कि 100 कैसे आ रही है, 140 है प्यारे बच्चों। किताब में सवाल देखेंगे तो थोड़ा लिखने में मिस्टेक होगी, मुझे देखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो 140 है प्यारे बच्चों, ये 140 है, ठीक है, कितना है, 7 किलो प्याज 140 रुपये में, 100 रुपये में नहीं है, सवाल थोड़ा मैंने देखने में मिस्टेक हुई, गलती होगी मुझसे, 7 किलो प्याज 140 रुपये में है तो 12 किलो प्याज कितने महंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 7 को इधर लेके जाएगा, तकसीम हो जाएगा, इधर ज़रब में इधर तकसीम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये 7 × 7 = 14, ठीक है, तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब x बराबर 12 ज़रब 20, तो हमको जवाब मिलेगा x बराबर जो है 12 00 और 12 × 24, 240 रुपये, ठीक है, 240 रुपये। अब देखेंगे 7 किलो प्याज 140 रुपये में आई है तो 12 किलो प्याज जो है वो 240 में आएंगी, तो प्याज का वज़न बढ़ रहा है तो फिर उसकी जो दाम भी है वो बढ़ रहे हैं, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये मुस्तकीम तनासुब का क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2 देखेंगे, 600 में 15 घास के गट्ठे हों तो 1280 में कितने घास के गट्ठे होंगे। थोड़ा सा यहाँ सवाल चेंज कर दिया है, सवाल को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, देखेंगे हम गौर करेंगे। 600 रुपये में 15 घास के गट्ठे आ रहे हैं, कितने घास के गट्ठे आ रहे हैं, 15 घास के गट्ठे आ रहे हैं, तो हमको पता करना है कि 1280 में कितने घास के गट्ठे आएंगे। 1280 में नहीं, उसी बेस का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, तो 1280 रुपये में कितने घास के गट्ठे आएंगे ये हमको पता करना है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसके पहले तुमको बताया मैंने, बेसिक जब समझा रहा था, जब भी एक मिसाल हल करके बताया या मस्की सवाल है तो हमें एक मिसाल हल करें, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 600 ज़रब एक्स बराबर 1280 ज़रब 15, ठीक है। अब 600 इधर ज़रब में इधर लाएंगे इसको तो तकसीम हो जाएगा, तो एक्स बराबर 1280 ज़रब 15 बटे 600, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो ये सिफर कट जाएगा, ठीक है। अब 15 × 15 = 60, हाँ,
तो यहाँ नीचे बचेगा 128 बटे 4, ठीक है। इसको हम हल करेंगे तो 4 × 4 = 12, ये 4 × 4 = 8 32, तो x बराबर हमको मिला 32 गट्ठे। 600 रुपये में 15 गट्ठे आ रहे थे, तो 1280 में कितने गट्ठे आएंगे? 32 गट्ठे आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे, आपको हल कराएंगे, और बाकी दो क्वेश्चन आपको घर काम रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों तीसरे सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 3 है कि रोज़ाना 13 किलोग्राम 500 ग्राम, यानी 13 किलोग्राम और 500 ग्राम, 500 ग्राम होता है आधा किलो, तो 13 किलो और आधा किलो 13.5 किलो हो जाएगा, 13.5 किलो। इजाफी खुराक 9 गाय को दरकार हो तो 12 गाय को कितनी खुराक दरकार होंगी, ठीक है। ये 13.5 किलोग्राम kg जो खुराक जो गाय को खाना दिया जाता है वो 13.5 किलोग्राम यानी 13.5 किलो 9 गाय को लगती है। कितनी गाय को लगती है? 9 गाय को। तो हमको मालूम करना है कि 12 गाय को कितनी खुराक मिलेगी, 12 गाय को कितनी खुराक मिलेगी। यहाँ थोड़ा सवाल चेंज कर दिया गया है, थोड़ा एक से इधर आ गया, देखेंगे हम, पहले एक से उधर आ रहा था, अभी एक से इधर आ गया, तो कुछ टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ हमको जो इक्वेशन बनाते आना चाहिए। अभी हमारी इक्वेशन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 9 ضرب x = 13.5 ضرب 12, ठीक है, 12। अब जो हम क्या करेंगे, इसको x को इधर ही रखेंगे, 9 को इधर ले जाएंगे, तकसीम हो जाएगा 13.5 ضرب 12 = 9। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, ठीक है, 3 × 3 = 9। अब जो है यहाँ पर हम फर्ज करें, यहाँ पर आशार्य नहीं है, तो ये क्या बन रहा है, 13.5 ضرب 4/3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको तो 4 × 5 = 20, ये 13.5 को हम 4 से ज़र्ब करेंगे, तो 13.5 × 20 के सिफर, ठीक है, 20 के सिफर, हासिल आया 2, 4 × 3 = 12 और 2 = 14, 14 × 4 हासिल आया 1, है ना, समझ में आ रहे, क्वेश्चन सिंपल है। अब 4 × 4 और हासिल किया 5, ये 540/3। अब इसको हल करेंगे हम, तो 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 2 बचा बाजू में लगा दिए, 3 × 8 = 24, तो 180 रुपये, हाँ 180, 3 × 3 दो बड़ा, 3 × 8 = 24, 180, ठीक है प्यारे बच्चों। सॉरी यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, 13.5, ठीक है, तो 4 × 5 = 20, यहाँ बराबर, यहाँ एक के बाद आचार्य है तो एक के बाद आचार्य लगाएंगे हम, एक के बाद आचार्य लगाएंगे तो यहाँ 18 किलो आएगा, ठीक है, 3 × 3 दो बजा, 3 × 8 = 24, तो 18 किलो, ठीक है। 13 किलो 500 ग्राम 9 गाय को लग रही है, तो हमको जो है मालूम करना था कि 12 गाय को कितनी खुराक लगेंगी, तो 18 किलो लगेंगी, खुराक कितनी लगेंगी, 18 किलो लगेंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो आचार्य हमने बिगर आचार्य के हमने यहाँ पर ज़र्ब किए थे, तो एक के बाद आचार्य है, तो ज़र्ब करने के बाद हासिल ज़र्ब में एक के बाद हम आचार्य लगाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर मुस्तकीम तनासब का लेक्चर नंबर 2, जिसका मस्जिद सेट हमने 3 सवाल को यहाँ पर हल किए हैं, यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा लेक्चर नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।